अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सो बहुत सारे लोग आइडियाज़ मुझसे मांगते रहते हैं कि मेरे पास 5 करोड़ पड़े हैं, 10 करोड़ पड़े हैं, कोई आइडिया दे दें। तो ये आइडिया है, अगर कोई करना चाहे तो यू आर मोर देन वेलकम टू टेक इट। ये मूंछों वाला हो और एक मूंछों के बगैर हो, सही है। कोई भी आदमी जो इन्वेस्ट करना चाहता हो सीरियस मनी, तो मेरा मशवरा है उसको कि ये 20 इस तरह के कॉफ़ी शॉप्स खोले। ये आइंस्टाइन ब्रदर के नाम से ये वाली कॉफ़ी शॉप है, बट आप राजा रख लें कॉफ़ी या कुछ भी रख लें, डजेंट मैटर। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप बिल्कुल इसकी डिट्टो कॉपी बनाएं और स्टारबक्स के रिटायर्ड मैनेजर्स पकड़ लें, या स्टारबक्स में काम करने वाले पाकिस्तानी मैनेजर्स पकड़ लें, या CEO बना लें उसको, उसको पाकिस्तान बुलाएं और ये 20 कॉफ़ी शॉप्स इस तरह की डिट्टो बना लें। और 20 जब आपकी बन जाएं और या बनना शुरू हो जाएं, तो अब आप अपने कनेक्शन स्टारबक्स और आइंस्टाइन ब्रदर्स और कॉस्टा वगैरह में बनाना शुरू कर दें। और फिर ये कॉफ़ी की जो दुकान है, इसको 20 की 20 को आप उठा के सीरियस पैसों से स्टारबक्स को बेच दें, क्योंकि इवेंचुअली स्टारबक्स ने पाकिस्तान आना ही आना है। जब तक नहीं आया कोई बात नहीं, जब इवेंचुअली आना है। मैं रेडी हूँ ये काम करने के लिए, मुझे तो बंदा कोई नहीं है मेरे पास जो ये काम कर दे। तो जब तक मेरे पास बंदे नहीं तैयार होते, किसी को भी ये ओपन ऑफर है आईडिए का, ये शुरू करें। और ये डेफिनेटली आपको 15-20 मिलियन डॉलर दे जाएगा, क्योंकि और इसमें ज़्यादा लगाना नहीं है, सिर्फ मेहनत का काम है, पहले बनाना है, चलाना है। और बिज़नेस नहीं भी चले तो कोई बात नहीं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है उसके दाम बढ़ते हैं, तो ये भी बिज़नेस इवेंचुअली प्रॉपर्टी के दाम, आपके बिज़नेस के दाम बढ़ेंगे और ये बिक जाएगा। और इन द मीन टाइम जब अगर आप 50 कर लें तो उसको पब्लिक लिमिटेड कर लें, और पब्लिक लिमिटेड करने के बाद आप इसके वैसी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सारी मिल जाएगी, और आराम से आके स्टारबक्स या दूसरे इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर आपको इन्वेस्ट कर देंगे। ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट शॉप होना बिज़नेस के लिए, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं लोग अब स्टारबक्स में जाके या कॉफ़ी शॉप में जाके करते हैं, बैठते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। जैसे ईंटें होती हैं, ईंटों के बगैर अगर आप घर बनाने की कोशिश करें, बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें, तो मुश्किल होती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप कॉफ़ी शॉप्स के बगैर बिज़नेस करने की कोशिश करें तो मुश्किल होती है। और इट हैज़ टू बी ब्रांडेड, बिकॉज यू नो पीपल लाइक कि यार मैं इस ब्रांड पे जाके बैठूं और मुझे पता है कि क्या सर्विस की क्वालिटी होगी, एक्सपेक्टेशन होगी। तो एक आइडिया है, इफ़ एनीबडी वांट्स टू स्टील इट यू आर मोर देन वेलकम, इफ़ एनीबडी वांट्स टू डू इट लेट मी नो, फॉलो माय प्रोसेस एंड आई विल बी एबल टू हायर यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड वी कैन डू दिस। अस्सलाम वालेकुम।